अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, ये हमें किस किस तरह से मिलता है, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको मिले, या फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो मिले, क्या इसके नुकसान आते हैं और क्या इसके फायदे हैं। तो गाइज चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपीराइट क्लेम होता क्या है। पिछली वीडियो में बनाई थी कि कॉपी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है और ये हमें क्यों दी जाती है और इसके क्या नुकसान आते हैं। आज हम बात करेंगे कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और ये हमें क्यों दिया जाता है और इसकी वजह क्या है। तो गाइस फर्ज करेंगे, मेरा चैनल है, अगर मैं किसी बंदे की वीडियो उठा के, मेरा चैनल मोनेटाइज है या नहीं मोनेटाइज इसका कोई सीन, मैं किसी बंदे की वीडियो उठा के अपने चैनल पे अपलोड करता हूं तो वो मुझे कॉपीराइट क्लेम सेंड करेगा। अगर मेरा चैनल मोनेटाइज है तो इसका जो रेवेन्यू होगा वो सारा का सारा उस बंदे के पास चला जाएगा जिसकी वीडियो मैं उठा के अपने चैनल पे लगाऊंगा। और अगर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो अगर मैं किसी की वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे तो इसका जो टाइम वॉच है वो मुझे नहीं मिलेगा। जो इस वीडियो पे व्यूज आएंगे, अगर फर्ज करें कि मेरा जो ये वीडियो वायरल हो गया, मैं किसी का वीडियो उठा के अपलोड किया, ये वीडियो वायरल हो गया, इससे जो व्यू आएगा, जो सब्सक्राइबर जो आएगा वो तो मुझे मिलेगा, लेकिन जो इससे क्या कहते हैं वॉच टाइम वो आएगा वो मुझे नहीं मिलेगा, वो नहीं काउंट होगा क्योंकि ये कॉपीराइट क्लेम में चला जाएगा। और अगर मेरा चैनल मोनेटाइज है तो इसका जो रेवेन्यू होगा वो कुछ यूट्यूब के पास जाएगा और कुछ जिस बंदे की मैं वीडियो अपलोड करूंगा चुरा के उसके पास चला जाएगा। और ये हमें हमेशा जिस बंदे की हम वीडियो उठा के लगाते हैं अपने चैनल पे उसी की तरफ से मिलता है, ना कि YouTube खुद सेंड करता है। तो गाइज अगर आप भी किसी की वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, अगर कोई आपको क्लेम देता है तो आप इस वीडियो को डिलीट कर दें अपने चैनल से, क्योंकि इससे आपके चैनल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपका चैनल डाउन हो जाता है, क्योंकि बार बार अगर आपको कॉपीराइट क्लेम दिया जाए तो इससे बड़ा नुकसान होता है। तो अगर आपने किसी बंदे का मटेरियल यूज कर दिया, आपको कॉपीराइट क्लेम भी आ चुका है, तो अगर आप उसको रिमूव करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो जब आपको कोई बंदा कॉपीराइट क्लेम सेंड करेगा तो उसका मेल, जो उस कॉपीराइट क्लेम वाले बंदे की तरह से आपको मेल आएगा, आप उसी मेल पे दोबारा उनसे बात करके अपना जो कॉपीराइट क्लेम वाला वीडियो है वो रिमूव कर दें, उस बंदे से रिक्वेस्ट वगैरह करके उस क्लेम को करवा सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से उस बंदे को एग्री करते हैं कि भाई आप मेरा जो कॉपीराइट क्लेम है आपने मुझे सेंड किया वो रिमूव कर दें, आप रिक्वेस्ट वगैरह करके उनको अपना जो कॉपीराइट क्लेम है वो रिमूव करवा सकते हैं। तो गाइज ये एक तरीका है जिससे आप अपना कॉपीराइट क्लेम है जो वो रिमूव करवा सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लो।